जी आपका वीडियो तो YouTube पर जा चुका है, ठीक है, लेकिन आपसे हमने नंबर नहीं पूछा है और आज बिल्कुल आप ठीक हो गए हैं, हर तरह से ठीक है। तो हम चाहते हैं कि आप अपना 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 नंबर बतलाएं, जिसमें कि हमारे YouTube से कोई भी आदमी देख करके वीडियो सुने और उस नंबर को लेकर के, आपका नंबर लेकर के आपसे स्वयं में बात कर ले। उमेश जी, ठीक है, आज बड़ी खुशी हुई कि हमारे YouTube से आसाम का पेशेंट था, आसाम की पेशेंट थी, तो आसाम की पेशेंट से कोई किसी ने नंबर लेकर उनका उनको फ़ोन मिलाया कि YouTube पे जो आप वीडियो डाले हैं, आपने नंबर अपना दिया है, तो ये क्या जो ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या वे सही है कि फेक है? तो प्रियंका नाम की लड़की थी आसाम की, उसने पूरा उसको बताया कि नहीं आप दवा लो, बहुत अच्छा है, मैं ठीक हो गई हूँ। तो प्रियंका ने मुझे फ़ोन किया कि आंटी जी, यूट्यूब से किसी ने फ़ोन किया था मुझे मेरा नंबर लेकर के, क्योंकि वीडियो में वो नंबर बोली थी ना कि मेरा नंबर, हम कह प्रियंका तुम्हारा नंबर क्या है बेटा, नंबर बोली थी ना, हमने उससे बोल दिया था कोई अगर यूट्यूब देख करके फ़ोन करेगा तो बात कर लेना। तो उसने आज फ़ोन मिलाया था कि यूट्यूब से एक सज्जन फ़ोन मिलाए थे, आंटी जी मैं नंबर भेज रही हूँ, तुमको बड़ा अच्छा लगा तो उसके बाद आप आए, तो मैंने सोचा कि आपसे भी नंबर ले लें। तो आपका नंबर क्या है उमेश जी? 8052 जी 502956। फिर से बोले 8052502956। ठीक है उमेश जी, अगर आपका वीडियो कोई देखता है और आपका कोई नंबर लेके आपसे कांटेक्ट करता है तो आप प्लीज़ उनसे अच्छे से बात कर लेंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। आप क्या चाहेंगे, हम ठीक हुए? सारे लोग ठीक हो जाएं, सारे लोग ठीक हों। ठीक है उमेश जी, ओके। तो आपके बॉडी में क्या क्या चेंजिंग आई है बता दीजिए। पहले से तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग आई है, जैसे कि पहले भूख नहीं लगता था, भूख भी लग रहा है, पेट साफ नहीं होता था, पेट भी साफ हो रहा है, यूरिन प्रॉब्लम थी वो भी अब नहीं है। पहले रात में 3 से 4 बार जाते थे, अब तो रात को सोते हैं तो सुबह उठ के जाते हैं। मतलब यूरिन जाने का मन ही नहीं करता? नहीं, लगेगा तो मन करेगा। नहीं, पहले था यूरिन लगता, हाँ, पहले लगता था कि नहीं जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जल्दी से जाओ। हाँ, लेकिन अब लगता है कि नहीं, 1 घंटा तक कंट्रोल कर सकते हैं। पहले तो जिसे लगे तो ये होगी तुरंत जाओ, नहीं कपड़े खराब हो जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे, ऐसा महसूस हुआ है? लेकिन अब ऐसा नहीं, अब चलो कर लेंगे ना। अच्छा, तो क्या पहले कपड़ा खराब हुआ भी क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं, महसूस होता था, महसूस होता था, मतलब लगे तो तुरंत प्रेशर बन जाएगी, अब कुछ जाना है तो जाना है, प्रेशर नहीं रहता रहा, लेकिन महसूस होता रहा कि नहीं दौड़ना है, जाना तो जाना। प्रेशर कहाँ आता है? ये शुगर वाले के, शुगर वाले पेशेंट जो हैं हमारे, उनको प्रेशर यूरिन में नहीं आते? प्रेशर यूरिन में रहता है, कहाँ है शुगर वाले को? कहने का मतलब, लेकिन लेकिन उनको महसूस होता है कि दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ, बहुत तेज लगी है, बहुत तेज लगी, सही। लेकिन ऐसा होता नहीं था, बहुत तेज जाने के बाद बहुत तेज यूरिन नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, शुगर वाले को जिस हिसाब से फीलिंग होती थी उससे से होता नहीं था। हाँ, जिस हिसाब से फीलिंग होता है आदमी दौड़ता है, उस हिसाब से जाओ ना, तो वे शुगर वाले को प्रेशर नहीं होता। लेकिन अब दवा खाने के बाद आप कंट्रोल कर ले, पूरी तरह कंट्रोल, पूरी तरह का? अच्छा, मतलब 1 घंटा रोक भी सकते हैं आराम से? बिल्कुल, उसका कोई टेंशन नहीं, फील्ड में है, काम कर रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है? कोई फर्क नहीं है। अब पहले फील्ड में रहे तो क्या होता था? थोड़ी नहीं प्रॉब्लम होती थी कि कब कहाँ लग जाए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि हम लोग ट्रेवल्स में रहते हैं। अच्छा। तो हमारे रोडवे से अक्सर हमको मऊ जाना होता है, तो मऊ से अगर रोडवे मिलता है तो रोडवे से चले आते हैं। अच्छा। तो रोडवे मऊ से खुलती है तो फिर सीधे सैदपुरी रुकती है, बीच में कहीं नहीं रुकती। अच्छा। उस बीच में हमको हमेशा डर बना रहता था कहीं हमें बाथरूम न लग जाए, कहीं बाथरूम न लग जाए। अब मऊ से सैदपुर का दूरी कम से कम 2.5 से 3 घंटे है, और 3 घंटे हमको टेंशन बना था कि कब लग जाए, कब लग जाए, कब लग जाए, कोई भरोसा नहीं। अच्छा, ये उमेश जी ये बताइए, जो पहली बार आप आए थे तो आप कह रहे थे मुझे कोई उठाता है तो उठ पाते हैं, बैठाता है तो बैठ तो जाते हैं, लेकिन बैठ के उठ नहीं पाते थे? जो पैर में कंपन रहती थी, अब वो चीज़ नहीं। अच्छा, पहले उठने में कंपन होती थी, किसी का सहारा लेना पड़ता था आपको, ठीक ना? दीवार पकड़ के उठे या कुछ, अब बाथरूम तक कोई जाएगा नहीं, लेकिन दीवार पकड़ के उठते थे। अच्छा, पहले दीवार पकड़ के उठ के बाथरूम तक जाते थे? जैसे उठ जाए तो लगे कि बहुत ज्यादा हम मेहनत का काम कर लिए, एक बार पैर टूट जाए कंपन होता रहा बॉडी। इतनी अब वो चीज भी नहीं, इतनी वीकनेस थी कि अगर बैठ जाए तो वीकनेस तो पहले से काफी ज्यादा हद तक कंट्रोल में हो गई है। अच्छा,
तुम्हें जी आप खुश हैं दवा से? जी खुश तो हैं। आपके घर वाले? आपके घर वाले भी खुश हैं? घर वाले भी खुश हैं जी। तुम्हें जी प्लीज़ उम्मीद जी अगर कोई वीडियो देख के कोई बात करता है तो आप प्लीज़ बात कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उनको संतावना प्लीज़ देंगे आप कि नहीं आप पहुँचिए। डायबिटीज वाले बेमौत मर रहे हैं, डायबिटीज वाले बहुत परेशान हैं अपने अपने सिंगल बॉडी से और साथ में परिवार ही परेशान है। इसलिए उमेश जी आप ध्यान दीजिएगा, समाज सोशल वर्क समझ के ही आप सेवा भाव रखिएगा मन में और उनको गाइड कीजिएगा। ठीक है उमेश जी, थैंक यू उमेश जी। अगर आप किसी को भी रेखा आयुर्वेदिक से संपर्क करना हो तो प्लीज़ 7897894910 पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।